अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने शिवपुरी लीडिंग कॉलेज में हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका जमा करने के लिए जो स्टाफ निर्धारित किया गया है वो काफी लेट अपने काउंटर्स पर बैठते हैं और समय से पूर्व ही उठ जाते हैं। उनका छात्र छात्राओं से भी व्यवहार काफी अभद्रता से भरा हुआ होता है। महाविद्यालय में छात्र छात्राओं के लिए अलग से लाइन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे महाविद्यालय की छात्राओं को परेशानी का सामना न करना पड़े। अतः महाविद्यालय प्राचार्य को बताना चाहता है कि छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए इन सभी मांगों को 3 दिन के अंदर जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं की गई तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज प्रशासन की होगी। जिस प्रकार से हम सभी को ज्ञात है कि कल किस प्रकार से कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया, कॉलेज प्रशासन के द्वारा क्या गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई, जिसमें छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, उनके स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया गया, किस प्रकार से यहाँ पे भीड़ थी, कोई मैनेजमेंट नहीं है। पार्किंग की बात करें तो पार्किंग पे हमेशा भीड़ लगती है जब भी परीक्षाएं होती हैं। दूसरा, गेट सेंशन किया गया था, वो गेट अभी तक नहीं बना। 4 साल से विद्यार्थी परिषद उसके लिए संघर्ष कर रही थी। मेरा नाम निकेतन शर्मा है। कई दिनों से कॉलेज में देखा जा रहा है काफ़ी तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है। छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखा जाता है कि नारी का सम्मान सभी जगह होता है, लेकिन हमारे महाविद्यालय में अगर आप देखना चाहेंगे तो लाइन लड़के एवं लड़कियों की लाइन 1 साल लगी हुई है, जिसके साथ उन्हें काफ़ी बदतमीजी का भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि अपन किसी को नहीं समझ सकते हैं। और दूसरी बात रही है, कॉलेज के स्टाफ का जो व्यवहार है इतना ही गंदा है। आपको सरकार पैसा दे रहा है, काम करने का दे रहा है, ना कि किसी से अभद्रता से बात करने का दे रहा है। छात्र शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जिस दिन अपनी अगर शक्ति हम दिखा देंगे तो यहाँ पर बता भी देंगे छात्र शक्ति क्या होती है। इनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम जिलाधीश के पास भी जाएंगे और जरूरत पड़ने पर हम बल्लभ भवन का भी घेराव कर सकते हैं। छात्र शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। एवीपी द्वारा आज ज्ञापन दिया गया है। आज छात्राओं को जो समस्या है, कॉपी वॉपी जमा कर रहे, संख्या ज्यादा थी, भीड़ इस वजह से बच्चों ने दिया, उनका समाधान निकालेंगे। क्योंकि दो दिन का यूनिवर्सिटी ने समय दिया उनको बीए का, सेकेंड ईयर का। बच्चे मेरे पास है, 1800 लड़के प्राइवेट के हैं, 700 लड़के रेगुलर के हैं। बाहर से बच्चे आते हैं, बच्चियां भी आती हैं, उनके साथ पेरेंट्स भी आते हैं। तो कल भीड़ ज़्यादा थी, फिर भी अपन कंट्रोल कर रहे हैं कि बच्चों को पूरी समय से उनको कॉपियाँ जमा कराना, यदि कोई रह जाता है तो हम उनको आगे भी कराएं। उनका आरोप है टीचर देर से आ रहे हैं। दे ऐसे कुछ नहीं, आते हैं, कुछ टीचर आते हैं, इधर उधर हो गए होंगे, उनको मैं समझा दूंगा कि सही टाइम पे आओ, बच्चों के साथ ऐसा कोई व्यवहार ना करें जिससे कि बच्चों को बुरा लगे।